अपना इंट्रोडक्शन करा लो। ओके, माय नेम इज अब्दुल वकील। बेसिकली आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान, लिविंग इन हियर सिंस आई वाज बोर्न। जब पैदा हुआ यहाँ पे, इस पेशावर में रह रहा हूँ। और मैंने अपना बैचलर जो है एक्नॉलेजमेंट यूनिवर्सिटी से किया और मास्टर भी वही से किया है। सही है, तो वही से किया हुआ है। तो दस हो और पीजी करने का इरादा है इंशाल्लाह। तो बस जिंदगी वेट करते, अपना ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है जिंदगी का, अपना एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसके लिए अभी से हम मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं उस तक पढ़ने के लिए। सही, तो वेल आज का जो लेक्चर है ना, दैट इज अबाउट चैप्टर नंबर 3। टॉपिक इज क्या है, एनवायरमेंट एंड कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंट एंड कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने ये चैप्टर रीड किया है, पढ़ा है? देखो पढ़ा करो चैप्टर से पहले, आप उस चैप्टर को पहले मतलब लेक्चर से पहले चैप्टर को पढ़ा करो। हालांकि आपको समझ ना आए, पढ़ो। जब तुम यहाँ पे आओगे तो वो आपको ऐसा होगा कि यार आप पहले कहीं ये पढ़ चुके हो, मतलब आपको पहले समझ आया अच्छा ये तो पहले पढ़ा करो। तो ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, फिर वहां से आपको क्वेश्चन भी अराइज होने लगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में जो हम मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे ये है ऑन एनवायरमेंट एंड कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो जब हमने स्टार्ट में लिया, हमने इंट्रोडक्शन कहा, इंट्रोडक्शन में हमने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट में होता क्या है, इसमें कंट्रोलिंग लीडिंग सारी चीजें हैं जो फंक्शंस उसमें है। सही, फिर हमने इसका हिस्ट्री पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि ये आया कहाँ से, किन किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया। हिस्ट्री में इतना ही आप लोगों के लिए काफी था, इस लेवल में इतना ही काफी है कि आप लोगों को सिर्फ ये पता चले कि किन किन लोगों ने इसमें अपने कंट्रीब्यूशन अपने हिस्सा डाला ताकि मैनेजमेंट यहाँ से यहाँ तक अभी आया है। हमारे लिए जो यहाँ हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये बुक की शक्ल में, ये छोटे छोटे स्क्रिप्ट की तरह था जो किसने इसको कंपाइल करके बुक शक्ल में दिया है, क्योंकि डिफरेंट लोगों का थ्योरी था, डिफरेंट लोगों का कंसेप्ट था जो हमने चैप्टर नंबर 2 में उसको पढ़ लिया। तो बाद में हमने क्या कहा, आज चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे इसका जो हमने उसको ट्रेडिशनल चैप्टर 2 में हमने ट्रेडिशनल जो कंटेम्पररी इश्यूज के बारे में पढ़ा कि क्या क्या चैलेंजेस सामने मतलब सामना करना पड़ेगा किसी को बी का मैनेजर। अच्छा फिर चैप्टर नंबर 2, अभी आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। इदारे के बारे में कुछ ना कुछ हमें आइडिया हो गया कि इदारे में होता क्या है, कौन कौन से लेवल है, टॉप लेवल में कौन होता है, मिडिल लेवल में कौन होता है और उसके बॉटम में कौन लोग होते हैं। सही है, तो यह इसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन आज का जो लेक्चर है ना, एनवायरमेंट एंड कल्चर के बारे में। देखो ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर एनवायरमेंट, इदारा जब बनता है हम तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो सोल प्रोप्रेटरशिप के बारे में हम बात नहीं करते, छोटे छोटे बिजनेस के बारे में बात नहीं करते। जब छोटे बिजनेस होता है या पार्टनरशिप होता है, ऐसे बिजनेस पार्टनरशिप होते हैं तो वहां पे ऐसे कुछ नहीं होता है। सिंपल सी स्टार्ट से मैं कह रहा हूँ कि अपने सोच को बड़ा करो, बड़े चीजों के बारे में सोचो। हम बड़े बड़े कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं, ये छोटे छोटे कंपनियों खुद बहुत हो जाते हैं। बड़े बड़े कंपनियों के बारे में जब पढ़ोगे ना तो छोटे खुद बहुत ये आपको आसानी से समझ आएंगे, क्योंकि बड़े कंपनियों में बहुत उसमें उलझन होता है, उसमें कंप्लेक्सिटी होता है उसको समझने में। जब तुम उसको समझोगे तो वो यही चीजें जो है वो छोटे उनकी शाख से है। तो अच्छा हम जो एनवायरमेंट और कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो एनवायरमेंट हर इदारे में उनका अपना एनवायरमेंट होता है। सही, एनवायरमेंट इदारे के अंदर भी होता है और बाहर की जो एनवायरमेंट है उसका भी एनवायरमेंट है। अंदर जो है जो लोग जो है ना, जो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर हम कहते हैं। सही, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे आ रहे हैं। सही, यहाँ पे जो हमारा टीचर स्टाफ है, हमें कहाँ बैठना है, किसी साथ डीलिंग करना है, किसी साथ नहीं करना है, आप लोगों का किसी साथ डीलिंग करना, दैट्स ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ये कल्चर है जो एक लेवल की तरह है, किस किस के साथ मिलना है। सही, जब एनवायरमेंट पर हम कहते हैं ना, ये एनवायरमेंट देखो इदारे के ऊपर असरात है, मतलब असर अंदाज होता है किसी के साथ एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट क्या है, ये इदारा है बाहर की दुनिया, ये इनसाइड है, दूसरा क्या है आउटसाइड। जो एनवायरमेंट का है ना वो आउटसाइड है, जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का है ना वो इनसाइड है। क्या है, एक हमारे पास इनसाइड एनवायरमेंट होता है, दूसरा हमारे पास क्या एक्सटर्नल होता है। सही ना, तो इंटरनल एनवायरमेंट जो होता है ना वो किसके साथ है, वो कल्चर के लिहाज से है, लोगों के लिहाज से। जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है ना वो बाहर की है,
अभी माहौल या अभी कहने का मतलब क्या है, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप उस माहौल को देखते हो, उस एरिया को देखते हो, सही है। मिसाल के तौर पर आप एक दुकान खोलना चाहते हो तो पहले उस जगह को देखते हो, क्या ये जगह मेरे लिए दुकान खोलने के लिए सुटेबल है या नहीं, देखते हो या नहीं, वो एरिया को देखते हो कि आया अगर मैंने यहाँ पे दुकान खोला तो वह भी यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो इससे पहले कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना है, कौन कौन सी चीजों का है, तो यहाँ पे हम आज के लेक्चर में हम वो चीज को पढ़ेंगे कि हमें देखना होगा कि बाहर में ऐसे कौन कौन सी चीजों का खतरा है, हमें हमारे बिजनेस को कौन कौन सी चीजों का खतरा है, तो पहले से हमें उसके बारे में समझना चाहिए, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वी मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर की दुनिया। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है, सिंपल सी बात है, मैं इसको एक चीज से रिलेट करता हूं, वो है स्विमर के साथ। किताबों को बंद कर दो, किताब बंद कर सिर्फ समझो, बाद में सब करो। मैं इसको स्विमर के साथ या इसको अटैच करता हूं, उसकी एनालॉजी को, इसके आइडियाज को, मैं उसके साथ एक स्विमर के आइडियाज के साथ इसका अटैच करता हूं। देखो जब एक तैरानदाज होता है ना, वो तैराकी वाला, वो तैराकी करने चलता है कोई समंदर के किनारे, पहले उस समंदर को ऑब्जर्व कर लेता है, वो तरीके जब नहीं लगा रहा, पहले वो देखता है कि यह इसका सरफेस किस तरह है, इसका मोजों का, इसका पानी का जो मोज है, वाटर उसका कंडीशन, उस सारे कंडीशन को देखता है, इसका डिप्थ कितना है, सही है, इनमें जो पानी के लहर है उनका तेजी है किस तरह है, वो सारी चीजों का निर्णय। अगर वो चाहता है कि मैं यहां से उधर चला जाऊं, उस कोने पे चला जाओ, पहले वो पानी की सतह को सारी कंडीशन को इवॉल्वेट करता है, वो कंडीशन के जब वो कंडीशन को इवॉल्वेट करता है, देखता है, फिर उसे पता चल जाता है कि हाँ इस टाइम इस यहाँ पे तैरना जरूरी है या नहीं, सही है, तैरना जरूरी है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर
बाहर की दुनिया बहुत कानून जो मतलब ये रूल्स रेगुलेशन बहुत टफ हो या कंडीशन खराब हो, दिन ब दिन धमाके हो रहे हैं, आप यहाँ के बिजनेस स्टार्ट करोगे? कंडीशन खराब है तो आप किस तरह करोगे? अगर कर लिया तो कल को आपको कोई लूट गया तो आपकी दुकान पर चापा मारा तो, अगर यहाँ पे टैक्स रेट इतना ज्यादा है तो क्या तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकोगे? तो तू सेव करेगा अपने पैसा यार, जब टैक्स रेट कम हो जाए तब करेंगे ना। अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है सही है, क्या तुम उसको वहां पे या कम बहुत कम है ना, क्या तुम अपने बैंक में अपने पैसे डालोगे? तो वहां पे कंडीशन को देखकर आपने सारी चीजों की इवैल्यूएट करते हो तब जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। सही, तो तब जाके क्या है, जस्ट स्विमर नीड्स टू अंडरस्टैंड, जिस तरह स्विमर ने क्या किया, नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ वाटर, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट टू प्रॉपरली मूव अमंग देम, ताकि वो क्या हो जाए, एक अच्छी तरीके से वहां से मूव कर ले। अगर एनवायरमेंट के बारे में आपको पता है, कंडीशन के बारे में आपको पता है, शराइत के बारे में आपको पता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता है, सही है, सोशल कल्चर के बारे में आपको पता है, तो तुम इजिली वहां पे एडजस्ट कर सकोगे। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं, अमेरिका से एक कंपनी आया और यहाँ पे कुछ असेस नहीं किया, अपने बड़े बड़े बेल बोर्ड जो ये लगा दिया, वो वल्गर वाले, वल्गर समझते हो किसे कहते हैं, फहाशी वाले बोर्ड लगा दिए, चौक पे लगा दिए, तो क्या होगा, ये लोग इस चीज को पाड़ेंगे नहीं, इसके पीछे बात ही नहीं बल्कि जुलूस ही निकालेंगे। एक्शन तो होगा इसके हाँ, एक्शन मतलब रिएक्शन तो होगा। क्यों ऐसा रिएक्शन लोगों ने किया? अगर ये बिलबोर्ड जो कोई यूरोपियन कंट्री में लगाया तो वो कुछ नहीं होगा। एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है, दैट इज एनवायरमेंट। आपने जाना है, लोगों का कल्चर को देखना होता है, उनके नॉर्म्स उनके वैल्यूज को देखना होता है। अगर किसी लोगों ने अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ के लोगों को कल्चर को समझ सक पहले कल्चर को समझते हैं, समझने के बाद कि रिलीजन को किसका रिलीजन क्या है, कि नॉर्म्स क्या है, कि क्या एक्सेप्टेंस है, ये लोग किस चीज को कबूल करते हैं, किसको रिजेक्ट करते हैं, किस किस चीजों का इस इस्लाम में जायज है और किस चीज का इस्लाम में जायज नहीं है, तो उस सारे इवैल्यूएट करके तब जब आएंगे तब जाके वो कामयाब होंगे। समझ आया? यस सर। आपने मैंने आपको जिलेट वाली कहानी बताया था ना, हाँ सर जी बताया वो था। जिलेट वाले जो है ना, जिलेट वो पहले यूरोपियन कर चुके थे, वो उन लोगों ने मार्केट किसको टारगेट किया, इंडिया को, वो इंडिया में आ गए विदाउट एनी वैल्यूएशन, कुछ नहीं किया, आकर के एडवर्टाइजमेंट मतलब वहां पे उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर एडवर्टाइजमेंट कर दिया अपने प्रोडक्ट का, क्या हुआ, फ्लॉप। क्यों? कि वो लोग वो जो प्रोडक्ट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया वहां पे तो यूज नहीं हो रहा है, उसका जो वो ब्लेड था वो बहुत बारीक था, वो शेप जो ये करते थे उसकी, जो इंडिया के लोगों के जो शेप शेप था वो बहुत सख्त था, उसका जो स्किन वो सख्त था, ये होता नहीं था, यहां तक आता तो फिर आगे चलता, लोग इसे पेंग देते, वो मैनुअल ब्लेड लेकर आते उस तो ना, वो यूज करते थे, सही है ना। तो उन्होंने असेस करने से पहले, इवॉल्वेट करने से पहले, इवॉल्वेट नहीं किया प्रोडक्ट लेकर आया तो वो मुंह के बारे गिर गए। तो ऐसा है, मुश्किल होगा, आपने इन्वायरमेंट को असेस करना होगा, लोगों को उनकी कल्चर के बारे में असेस करना होगा, उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में असेस करना होता है, उनके सारी चीजों को असेस करके तब जाके हम अपने प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। सही है, ताकि हम देखते हैं हमारे लिए क्या खतरा है, या हमारे पास ऐसा दिमाग नहीं, अगर आगे चल पे वहां पर आपको होगा पेस्टल एनालिसिस, हम किसको कहते हैं, एक हम होता है स्वॉट एनालिसिस, दूसरा होता है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस जो होता है वो एक्सटर्नल के लिए होता है और स्वॉट एनालिसिस जो होता है वो इंटरनल के लिए होता है। सही है। अच्छा, जहां पर हमने क्या है, द मैनेजर फर्स्ट केयरफुली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट। तो मैनेजर को चाहिए कि उसको ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरमेंट को अच्छे तरीके से समझे, जहां पर वो ऑपरेट कर रहा है, जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहा है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, वो कंट्री के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में उसको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या सिस्टम है, तब जाके वो सर्वाइव करेगा। अगर वह उसको पता नहीं है तो वो सर्वाइव कर सकेगा? नो नो दैट्स
इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। तो यहां पर हमारे पास दो किस्म की एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट। अच्छा, अगर ऐसी एनवायरमेंट हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट। टुडे वी विल स्टडी ओनली द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सही है? इंटरनल एनवायरमेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट इसको डिवाइड किया गया है दो दो चीजों पे, एक है जनरल एनवायरमेंट, एक है स्पेसिफिक एनवायरमेंट। अब जनरल एनवायरमेंट क्या है? ये जनरल एनवायरमेंट वो है जो सब पे अफेक्ट है। अगर उसमें कुछ चेंजेस आया वो सब पे अफेक्ट, आपकी कंपनी पे नहीं बल्कि सारी कंपनियों पे, सारे इदारों पे उसका असरअंदाज होगा। अगर उसमें कोई चेंजेस आया वो सब पे होगा। गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया, नया लॉ बनाया, उसको किस पे होगा? सब पे लागू होगा। टैक्स इंक्रीज हुआ, किस टैक्स पॉलिसी में इंक्रीमेंट आया तो किस पे होगा? सब पे होगा। तो ये जर्नल, इसको हम क्या कहते हैं? जर्नल एनवायरमेंट। जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का क्या है? आपके कंपेटिटर्स होंगे, आपके सप्लायर्स होंगे, आपके कस्टमर्स होंगे, ये स्पेसिफिक ग्रुप है जो अफेक्ट कर रहे हैं, सही है? अगर सप्लायर ने रेट ज्यादा कर दिया तो आप क्या होगा, आपका अंदाज होगा या नहीं होगा? कस्टमर के टेस्ट चेंज होगा, आपने अपना प्रोडक्ट चेंज नहीं किया तो क्या होगा, कस्टमर चला जाएगा, ऐसा है या नहीं है? जो स्पेसिफिक है उसे हम क्या कहते हैं? टास्क एनवायरमेंट। जो स्पेसिफिक है उसको हम क्या कहते हैं? टास्क एनवायरमेंट। और जो जर्नल है उसको हम क्या कहते हैं? जर्नल एनवायरमेंट। में क्या आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन एवरीथिंग आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, इंटरनेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। जब ये चेंजेस आते हैं तो आपने इसके साथ कॉपी करना है, इसके साथ कॉप करना है, तब आगे जागे हो गया। मतलब अब इसको साथ आपने एडजस्ट, अपने आप को एडजस्ट करना होगा। अगर आपने जनरल एनवायरमेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं किया, अपने आप को आपके साथ चेंज नहीं किया, तो आगे आप मुश्किल का सामना होगा, सही? इकोनॉमिकल बढ़ गया, इन्फ्लेशन आया, सही? इन्फ्लेशन आया, प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस एकदम बढ़ गए। तो जब प्राइसेस बढ़ जाए, अभी आप यहां पे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है या नहीं है? इन्फ्लेशन है या नहीं है? प्राइसेस बढ़ गए ना। तो अगर कंपनी वाले अपने प्राइसेस बढ़ाते हैं, एक बर्गर आपको मिलता था मैकडोनल्ड में, आपको बर्गर मिलता था 100-150 में, अभी वहां पर मिल रहा है 220-250 में, तो इन्फ्लेशन हो गया तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं, अफेक्ट आया नहीं, कस्टमर क्या होगा? कस्टमर चला जाएगा। क्या वो अपने कंजम्पशन पावर को देखता है? Just seeing that has a consumption power. So whether I should purchase or not, if has consumption power, allow him to purchase, then he definitely will purchase. अगर उसका consumption power को allow करता है purchase करने के लिए, then he go forward and purchase that product. Otherwise, he will stay back और दाल रोटी खाएगा। सही है ना? तो ऐसा है, क्या है? इन चीजों में अगर change आया तो effect आएगा इदारे पे। इन चीजों के साथ चेंज, अपने आप को, इदारे को चेंज करना, इन्फ्लेशन आया, अपने प्राइसेस को मेंटेन रखने की कोशिश करना, तब आप जाके एनवायरमेंट में सर्वाइव करोगे। अगर आपने भी रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा? मुंह के बले गिर जाओगे। तो टास्क एनवायरमेंट क्या है? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इंपैक्ट द फर्म। स्पेसिफिक ग्रुप है, स्पेसिफिक ग्रुप कौन से होते हैं? जिस तरह कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, ये सारे जो है, या ये सारे जो है, ये स्पेसिफिक है जो आपके इदारे को अफेक्ट करता है, इसमें कोई चेंजेस आया तो इनके साथ रिलेशनशिप बनाना है, सही है? अभी इंटरनल एनवायरमेंट में कंडीशन एंड फोर्सेस प्रेजेंट इन वर्क विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनल एनवायरमेंट का क्या है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फोर्सेस है, जो अंदर जो चेंजेस है, जो अंदर है, यहाँ पे अंदर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, डायवर्सिटी उसमें है। डायवर्सिटी क्या है? डिफरेंट लोगों के कल्चर है। मैनेजर आपके पास चैलेंज क्या होगा? लोगों का डिफरेंट कल्चर, उनका नॉर्म वैल्यूज, उनका सारा उनका इकट्ठे ले जाना, दैट विल बी अ चैलेंज फॉर हू? फॉर अ मैनेजर, सही है? नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट देखो, ऑर्गेनाइजेशन और इट्स एनवायरमेंट। अगर आप देख लें यहां पे, ये सारा जो है ना, येलो कलर आपको देख रहा है, व्हाट टाइप ऑफ दिस इज? जर्नल है या नहीं? ये जो येलो कलर का है ना, दैट इज जर्नल। विद इन अ बाउंड्री जो होता है, मतलब ये
ये जनरल है, सब पे लागू होता है। अगर इनमें चेंजेस आए तो सब पे लागू है, अगर इनमें आया तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है उसी कंपनी का, सही है, उसी कंपनी के साथ रिलेटेड है। हमारे पास इंटरनल डायमेंशन, इंटरनेशनल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल कल्चर डायमेंशन, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। अच्छा ये है क्या जनरल इकोनॉमिक, समझ आ रहा है? यस सर। हां बहुत यस सर, मतलब कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जनरल में क्या हो रहा है, जनरल इकोनॉमिक में क्या है, जो बारीक की दुनिया है, इस इंस्टीट्यूट पे नहीं बल्कि सारे इंस्टीट्यूट पे लागू होता है। इकोनॉमिक डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, इसमें चेंजेस आया तो सब पे इफेक्ट आएगा, तो इसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना। अच्छा बिजनेस वो है जो इसके साथ एडजस्ट, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हो यार इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, सब कुछ महंगा है, तो क्या तुम अपने प्रोडक्ट के साथ एंटर हो सकते हो? नहीं, क्योंकि रेट ऑलरेडी इतना ज्यादा है, जब तुम एंटर हो गए तो तू भी
इससे तो या अगर या देखो या एक आप स्विट्जरलैंड से आए हैं या कोई और मुल्क से आए हैं, बैंकॉक कोई मुल्क से, आप यहाँ पे आते हैं क्योंकि ज्यादा मुल्क, क्योंकि डॉलर में बहुत ज्यादा करेंसी जो हमेशा डॉलर में एक्सचेंज, मतलब आजकल जो होता है, क्योंकि डॉलर जो है ये इंटरनेशनल करेंसी है, ये हर मुल्क में चलता है तो इसी के ऊपर डीलिंग होता है। ठीक है, मुल्कों का डीलिंग जो है वो डॉलर पे होता है, बाहर से कोई बंदा यहाँ पे डीलिंग करे वो तो डॉलर पे करेगा। तो वो जब डॉलर पे करता है तो डॉलर आपके पास यहाँ पे आता है, आपकी जेब में डॉलर आता है, आपकी जेब में डॉलर आता है तो आपकी वैल्यू, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ता है। वो कहते हैं आप इस तरह भेजिए, अपने फैमिलीज को भेजो, अपने फैमिलीज को भेजो जाके डॉलर बैंकों में डॉलर आ जाए। डॉलर की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो डॉलर की जो वैल्यू वो कम हो जाएगी तो पैसे की वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी, जो पैसे की वैल्यू जो ज्यादा होगा ना, क्योंकि उस पर डॉलर सोर्स ज्यादा होंगे, पैसे ज्यादा होगा, पैसे निकलेंगे ना, तो जब सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा होगा तब जाके आपका पैसे की वैल्यू ज्यादा होगा, जब डॉलर ज्यादा सर्कुलेट होगा पैसे तो टेक्नोलॉजिकल आजकल जो मिसाल के तौर पर आपका है, क्या है आपके पास रॉ मटेरियल है, आप उसको कन्वर्ट करते हो, पहले मैनुअल था, हाथों से था, अब मशीनरी के जरिए से है। तो ये अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया, अभी कंप्यूटराइज सिस्टम है, सही है, पहले क्या होता था, ये सारे जो एम्ब्रॉयडर्ड डिजाइन है ना, ये सारे जो कपड़े जो लोग डिजाइनिंग करते हैं, ये सेल में के काम करते हैं या कुछ और काम करते हैं, हाथ जो ये चीजें पहले था हाथ से था, आजकल मशीन आया कंप्यूटराइज, वो आप उसको डिजाइन एंटर कर लो, मशीन खुद ब खुद उस डिजाइन के ऊपर खुद ब खुद काम कर ले, आपने सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन देना होता है, आसानी हो गया। पहले आप उनके लिए 10-10, 15-15, 20-20 वो रख देते हैं, वर्कर रख देते ताकि वो डिजाइन बनाए, आजकल क्या है 12-12 मशीन 13-13 मशीन इकट्ठे होंगे काम कर रहे हैं, सिंपल तो टेक्नोलॉजी का चेंज आया तो आपने आपको चेंज करना होगा, अगर आपने चेंज नहीं किया तो क्या होगा, आप सरवाइव नहीं कर सकते। सही है, ये होगा सोशल कल्चरल डायमेंशन है, द कस्टम मोरल वैल्यूज एंड डेमोग्राफिक डेमोक्रेसी सोसाइटी व्हिच न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन में आप फंक्शन कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, काम करने से पहले आपने उसी उसकी डायमेंशन उसके सारे गवर्नमेंट को देखना होता है, सोसाइटी को, सोसाइटी क्योंकि सोसाइटी से आपको पैसा आया है, पैसा कहां से आता है, इन लोगों से, लोग आपको पे करते हैं, अगर उनके नॉर्म्स का आपने ख्याल नहीं किया, उनकी वैल्यूज का आपने ख्याल नहीं किया तो क्या होगा, वो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं, सही है ना। तो आप इसका कल्चर ये भी है, पॉलिटिकल लीगल डायमेंशन क्या है, द गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट, तो रूल्स एंड पॉलिसीज जब चेंज होता है आपने रूल पॉलिसीज भी देखने होंगे, यार अगर किसी जगह पर किसी कंपनी पर किसी जगह पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, किसी मुल्क में स्टार्ट करो, आपको वहां पे देखना होगा कि यहाँ पे ओवरसीज लोगों के लिए जो बिजनेस आकर यहाँ इस मुल्क में बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए क्या है, फ्री टैक्स है या फ्री ट्रेड टैक्स होता है वहां पे। मिसाल के तौर पर जो अमेरिका से जितने भी कंट्रीज मिले हुए हैं वो वहां पर कोई टैक्स नहीं है, उनके साथ जो मुल्क कनेक्टेड हुए हैं वो अपने दरमियान में कोई टैक्स नहीं है, वहां पर फ्री ट्रेड है। यहाँ एशियन एशियन ममालिकों में जितने भी कंट्रीज बॉर्डर है ना, बॉर्डर मतलब हुए हैं, पहले क्या था, फ्री ट्रेड था, कोई टैक्स नहीं था ट्रेडिंग पर। तो आपने देखना होगा कि आया मैं यहाँ पे जब ऑपरेट कर रहा हूँ क्या मुझ पर टैक्सेस यहाँ है या नहीं। याद रखे जो लोग मुल्क में टैक्स लगाते हैं, मतलब ट्रेड के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर टैक्स लगाते हैं, वो इसका मकसद क्या होता है कि फॉरेनर एंटर ना हो जाए, ये ट्रेड ये टैक्स जो है ट्रेड पर टैक्स का इनका मेन कंसंट्रेशन किस पे होता है कि बाहर वाले लोग हमारे मुल्क में इन्वेस्ट ना कर ले, इसलिए उसको के लिए एक डिस्ट्रक्शन के लिए है ताकि अपने लोग अपना बिजनेस प्रमोट हो जाए, लोग बाहर के प्रोडक्ट को खरीदे नहीं लेकिन अपने मुल्क की प्रोडक्ट को खरीदे,
तो इसलिए वो टैक्सेस ज्यादा होते हैं, इसलिए भी टैक्स रिस्ट्रक्शन है फॉरवर्ड उसको बिजनेस को, सही है या। तो आपने पॉलिटिकल लीगल आपने क्या देखना होगा, उनके रूल्स मतलब देखना होगा कि कानून ने क्या क्या लागू किए हैं तजारत के लिए, क्या क्या है कि यार अगर मैंने बिजनेस खोला तो हो सकता है आपके ऊपर एफबीआई वाले कोई और नैप वाले खड़े हो जाए कि यार आपके पास इतना ही इतना पैसे गया, मतलब कुछ आपके साथ कुछ भी हो सकता है, सही। तो उससे पहले आपने सारा ये असेसमेंट करना होता है ताकि आपको पता चले कि मैंने यहाँ पे जो ट्रेड कर लो जो करने वाला हूँ इसमें कोई खतरा तो नहीं है, कोई ऐसा कोई मुश्किल का सामना तो मुझे नहीं आएगा, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, सही। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डायमेंशन, इंटरनेशनल डायमेंशन, द एक्सटेंट ऑन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्वड इन अफेक्टेड बाय बिजनेस इन अदर कंट्रीज। देखो इंटरनेशनल डायमेंशन क्या है, इसका असर है जिस तरह मैंने पहले कहा जब बाहर से लोग आकर अपने मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, तो जाहिर बात है अपने आपके मुल्क की जो कंपनीज है वो कमजोर हो जाते हैं, प्रोडक्ट उनका सारे ज्यादा नहीं है। लेकिन आजकल देखो आप जो पेप्सी पीते हो जो भी चीज पीते हो ये किसका है, फॉरेन का है। आप अपने मुल्क का कोई प्रोडक्ट पीते उसका पीते हो जो बाहर से लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट आप ज्यादा पसंद करते हैं बनस्बत अपने। इंटरनेशनल डायमेंशन क्या है, जब अगर आप लिसन यही है अगर आप इंटरनेशनली कोई और देखो मैकडोनल्ड्स वाले हैं, मैकडोनल्ड्स जो होता है वो 118 मुल्कों में वो ऑपरेट कर रहा है, सही है। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क में जाकर उनकी कल्चर के मुताबिक यहाँ देखो जाकर देखो किस तरह बर्गर है अपनी वाले बर्गर को या जो ऐसे बर्गर्स को जो यहाँ भी लोगों का इवन इसमें मैकडोनल्ड्स का ये क्वालिटी क्या है कि वो आपको बता देता है कि हमने इस बर्गर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। इसका ये स्पेशलिटी भी है कि एक बर्गर जो बनता है कि इसमें क्या क्या, मतलब आपने मेन्यू देखा मेन्यू के ऊपर आपको कहते हैं ये बर्गर, प्लस आपने उसके अंदर आप देखते भी हो कि इसमें सलाद है ये है ये है ये चीजें, आपको पता चले कि इसमें गैर कानूनी गैर चीजें या गैर हराम चीज इसमें ना हो, आपको पता लगता है। वो सब कुछ आपको ओपनली देते हैं, इवन उन लोगों ने क्या किया कि अपने किचन भी ओपन कर लिया हर कस्टमर के लिए कि दे ओपन फॉर ऑल, जो भी आकर हमारे किचन के सब कुछ को देख देख सही है। तो ये डायमेंशन जो होता है जब आप इंटरनेशनली कोई बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं किसी मुल्क में ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देखते हैं उनके एनवायरमेंट को देखते हैं उनके लोगों को देखते हैं उनके कल्चर को देखते हैं, तब जाके आपको पता लगता है कि मैंने ये बिजनेस किस टाइप का खोलना है, कौन सी प्रोडक्ट लेकर आना है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या खासियत होने चाहिए, सही है, क्लियर है। फर्स्ट कौन सा समझाते कौन से वाले इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन जब इकोनॉमिकली ग्रोथ आता है इन्फ्लेशन आता है इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है तो ये असरअंदाज होता है, जब ये बढ़ता है तब, जब इन चीजों में आप देखते हो कि यार इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन ज्यादा है मार्केट में सब कुछ हाई प्राइस पर है और आप लो प्राइस पे बेच नहीं सकते, आप प्रोडक्ट बना नहीं सकते, आपका जो प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्जन है वो आपकी बहुत कॉस्टली आता है तो आप उस रेट में बेच नहीं सकते। ऑलरेडी अगर उस रेट में आप बेच दें मार्केट में ऑलरेडी इतना रेट बढ़ रहा है लोग खरीदते नहीं है, जब रेट बढ़ता है लोग खरीदते नहीं है, लोग उसी छोटी छोटी चीजों पर गुजारा कर लेते हैं। जब मार्केट में रेट बढ़ता है तो आप क्या मतलब बात देखो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब एक बंदा जो हफ्ते में एक दिन गोश्त खाता है जब मार्केट जब उसका रेट बढ़ता है गोश्त का किलो उसका कीमत बढ़ता है तो वो क्या करता है वो दो हफ्ते तीन हफ्ते में भी गोश्त नहीं खाता महीने में एक बार, सही है ना। तो ऐसे पहले उसका कंजम्पशन उसका यूज जो है वो कम हो जाता है, कम होता है तो आप क्या वहां पे ऑपरेट करेंगे क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, तो आप प्रोडक्ट आप लोगों से सेल आउट करेंगे ना, जब लोग खरीदते नहीं तो किसके इन्फ्लेशन, आप भी उस रेट पे आ जाओ डायरेक्टली उसी रेट पे, जब आप कम रेट पे आते हो मार्केट में इन्फ्लेशन जब कम रेट पे आता है तो रेट आपके लिए वारा नहीं करता, ऑलरेडी मटेरियल इतना महंगा है तो आपका मतलब वो कन्वर्जन रेट का जो देखते हो तो पहला वहां पर पूरा कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि बिजनेस होते हैं प्रॉफिट के लिए, क्लियर है। यस सर। तो दैट्स अ बोथ जनरल इन्वॉल्वमेंट जिसमें मैंने मैकडोनल्ड्स का कौन कर रहा है बस पहलवान नीचे से हुआ
जो जनरल इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इनका इंटरनेशनल डायमेंशन क्या है? रेस्टोरेंट्स इन 115 कंट्रीज, अबाउट 2/3 ऑफ सेल्स आर आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. उसका 2/3 जो है ना, 2/3 जो उसका आउटकम से आ रहा है, उसका जितना प्रॉफिट है ना, वो इनकम जो है वो बाहर से मुल्कों से ज्यादा आ रहा है बनिस्बत यूनाइटेड स्टेट्स से. इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है? मॉडरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडरेट है उसका, इतना ज्यादा नहीं है. लो अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इन्फ्लेशन. अनएम्प्लॉयमेंट भी कम है, इन्फ्लेशन भी कम है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल जो है अपना इसका जो प्राइस है वो कम है. इन लोगों ने बहुत ज्यादा से लोगों को हायर किया हुआ है. प्राइसेस इसका ज्यादा नहीं है, प्राइसेस का कम है. नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल क्या है? इंप्रूव द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोर एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम. ये मैकडॉनल्ड्स का एक खासियत क्या है कि यहां से ऑर्डर करो, यहां पे ले लो, विद इन 5 विद इन 10 सेकंड आपको ऑर्डर आपके हाथ में होगा. उसका एक इस तरह एक जो जहां पर ये हर जगह पर इसका एक छोटा सा ये ब्रिकेट होता है, कैबिन होता है, दो शीशे होते हैं. एक जगह से आपने ऑर्डर करना होता है, जो ही आप बोलते हो दूसरे शीशे की तरफ आपको पैक दिया जाता है. तो इनका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तेज है, इनका कन्वर्जन सिस्टम बहुत तेज है. ये कंप्यूटर, ये सिस्टम मतलब डायरेक्ट ऑर्डर पैचअप कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं. इसका ये एक खासियत है इसका. मैकडॉनल्ड्स वाला क्या है, सोशल डेमोग्राफिक कल्चर क्या है इसका? डेमोग्राफिकली शिफ्टेड इन अ नंबर ऑफ सिंगल एडल्ट्स एंड डुअल इनकम फैमिलीज इन ग्रोइंग द कंसर्न अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. ये जब प्रोडक्ट बनाते हैं ना, डेमोग्राफी सोशल के लिए क्या है, वो ऐसे चीजें नहीं डालते जो लोगों के हेल्थ के लिए सेहत को, ऐसी चीजें उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं कि उनके लिए सही. तो क्योंकि मैंने पहले भी कहा, वो लोग जब कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो देखते हैं कि इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं. वो अपने लिहाज से देखते हैं कि आपने अगर आपको अगर कोई इंग्रेडिएंट आपको पसंद है वो डाल लेते हैं, अगर नहीं आपने कहा उसे कह दे कि ये इंग्रेडिएंट इसमें ना डाले कि ये मुश्किल मेरे लिए, मतलब बस स्पाइसी खाते हैं आप उस स्पाइसी को हटा कर स्पाइसी मत डालो क्योंकि मेरे मैदे की तकलीफ है. सही, तो आप जब स्पाइसी खाते हो तो आपको मैदे की तकलीफ होता है तो आप कहते स्पाइसी मत डालो. सही, तो ऐसे चीजें आप लोगों ने यहाँ पर अगर आप लोकल बाजार में चले जाते चटनी में गिवा जाओ, सिंपल सी बात है, आपके सामने बना दे कहते चटनी में गिवा दफा को खोल बिल्कुल वहां जाओ. कटलस का है आप लोगों ने? यस सर. वो एक जो केचप होता है, वो जो स्वीट वाला केचप होता है ना, स्वीट जो स्वीट वाला, अब कहते ये मत डालो यार, ये बस कहते ये डालो. तो ऐसे आप लोगों ने हर जगह पर अपनी चॉइसेस करते रहते हो. सही है, तो क्या है, दैट इज ऑल अबाउट मैकडॉनल्ड्स, अबाउट जिसका वो ऑपरेट कर रहा है. जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपके इदारे पे अफेक्ट कर रहा है, असरअंदाज हो रहा है. क्या है, कंपैरेटर्स है आपके, कंपैरेटर्स आपके, कंपैरेटर्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इज कंपीट विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसोर्सेज. अच्छा, एक इदारा दूसरे इदारे के साथ कंपीट कर रहा है, क्यों? कोई कोई रिसोर्स होगा, प्रॉफिट वाला रिसोर्स, पैसों के लिए. यस सर, प्रॉफिट कमाओ, मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, कोई और रिसोर्स, कस्टमर मेरे पास ज्यादा आ जाए, मार्केट मेरा नाम हो, मैं हर जगह पर मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, दैट्स कंपटीशन. अच्छा, नाइक वाला कौन से इश्यूज के साथ कंपटीशन में है, चीता के साथ? क्या है, एडिडास. हां, एडिडास के साथ. अच्छा, पेप्सी जो है वो किसके साथ है? कोक. कोक के साथ, स्प्राइट के साथ, सेवन अप, ड्यू. ड्यू ड्यू तो पेप्सी का है, फैंटा. तो ऐसे आप लोग जाकर देख ले प्रोडक्ट लाइन ऑफ पेप्सी, ये सारी चीजें जो आपके देश के साथ कंपेटिटर्स है ना, वो उनकी प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट है. तो ऐसे क्या है वो, ये मतलब जो उसने टारगेट किया हुआ है, लेस, तो लेस का भी पेप्सी का है, आप लोग देख लो प्रोडक्ट लाइन देख ले. तो क्या है ऐसे प्रोडक्ट्स क्या है जो यूजर के साथ कंपटीशन में है. सही है, मिसाल के तौर पर आईफोन किसके साथ है? सैमसंग के साथ. सही है, नोकिया क्यों? आप देख ले, बहुत सी ऐसी कंपनी मोबाइल्स है जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है. सही है, अगर हमने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में चला जाए तो वहां पर भी हम देखते हैं जस्ट टेलीनॉर, जो तो ये सारे कंपटीशन जोन में
दैट इज आवर कंपटीटर्स, इनको कंपटीटर कहते हैं, एक दूसरे का अलग ये एक रे मतलब आवाज मत बोलो, जब ये पैकेजेस बढ़ाते हैं प्राइसेस को कम कर देते हैं जीबीस को बढ़ाते हैं तो आप लोग डायरेक्टली स्विच करते हैं यार मुझे जोंग लेना है। यस सर, सही अभी लेना कि पैकेज अच्छे अभी अगर पैकेज तो आप उसी पे स्विच करते हो उसको यूज ज्यादा करते हो। जहां पर देखो कंपटीशन जो है ना ये किसके लिए फायदेमंद है, कस्टमर के लिए। जहां पर कंपटीशन हो किसके लिए फायदेमंद है, कस्टमर के लिए। जहां पर मोनोपोली हो या मतलब वहां पर जिस कोई और एक दुकान हो उसके साथ वो कपड़ा हो तो किसी और के पास ना हो तो वापस आकर उसी बंदे से जो प्राइस वो कहेगा उसी पर खरीदोगे। अगर वही सिमिलर चीज मुख्तलिफ दुकानों में होगा तो आप क्या करोगे, अगर वो एक रेट पे वो ₹100 तो कम देगा ना या 200 कम देगा तो आप उसे खरीदेंगे। जहां पर आपको कम प्राइस मिलता है तब जाकर वहां पे वहां से आप खरीदेंगे। सब्जी पर टमाटर ₹50 किलो पर चाहिए, थिंक बिगर, बड़ा सोचो। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कस्टमर है। कस्टमर हूएवर पे मनी टू एक्वायर एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो लोग हैं जो मनी पे करते हैं जिसकी वजह से ताकि प्रोडक्ट को एक्वायर कर ले और सर्विसेज को एक्वायर कर ले। सही है, सर्विसेज टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सारे सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये सर्विस देते हैं ना। अगर यहाँ पर कस्टमर को कौन ग्रैब कर लेता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन है, अगर प्राइसेस बढ़ जाता है तो वो कस्टमर स्विच करते हैं। तो देखते हैं कस्टमर को एक्वायर करने का ये ग्रुप का असर है। मिसाल के तौर पर कस्टमर की टेस्ट चेंज हो गया, उनका टेस्ट चेंज हो गया, उनका मतलब ऐसा है कि सैमसंग मोबाइल यूज कर रहा है, सैमसंग वो फीचर नहीं है जो आईफोन में है, ख्वाहिश है क्या सबसे पहले भी ये फ्यूचर लेकर मैं सबसे खरीदूंगा, लेकिन नहीं है। वो क्या करता है, स्विच करता है, क्या खरीदता है, आईफोन खरीदता है। क्यों, उसका टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो तो उसने चेंज कर दिया, उसने उसके चेंज को मतलब उसके जो डिमांड को वो फुलफिल कर रहा है रादर देन सबसे पहले। सही, जब ऐसी चीजें होते हैं जब टेस्ट चेंज होता है, मिसाल के तौर पर आप एक दुकान में है आप कहते यार यहाँ पे ये जायका होने चाहिए, ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पर आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, अगर यहाँ पे आइसक्रीम एक शॉप में चले जाते हो वहां पर वो फ्लेवर नहीं मिलता, आप रेगुलर जाते हो लेकिन आपका कोई नया फ्लेवर खाने का जी कर रहा है, अगर अच्छा यहाँ पे वो फ्लेवर नहीं है लेकिन सामने वाला दूसरा वाला आइसक्रीम का शॉप है लेकिन वो फ्लेवर वहां पे मौजूद है, आप क्या करोगे, क्योंकि आपका टेस्ट है चेंज हुआ यार मुझे वो खाना है। सही, तो आप जाकर उसको चेंज कर लेते हो। देखो कस्टमर की अफेक्ट है तो क्या हुआ, आपका कस्टमर चला गया आपसे वहां, क्यों, क्योंकि उसका टेस्ट चेंज है, उसका टेस्ट चेंज हुआ था। आपने देखो आपके कस्टमर जब आप नेगोशिएट करते हो ना आपको एक बार दो बार मौका दे देता है फिर जाकर चेंज होता है। कस्टमर जब नेगोशिएट किस तरह सोल प्रोप्रेटरशिप में बात की यार मैंने जो ऑनर है वो कस्टमर के साथ डीलिंग क्यों करता है, ताकि उसको पता चले कि मैंने क्या क्या इंप्रूवमेंट लेकर आना है, क्या क्या चेंजेस लेकर आना है, उसको पता लेगी या अगर ये अच्छा है तो इसको मैं और बेहतर किस तरह बना सकता हूँ, ये कस्टमर से पता चल जाता है क्योंकि वो कंजम्पशन वाले वो यूज कर रहे हैं, वो यूज करके एक्सपीरियंस करके आपको बताएंगे कहा चाहिए इसमें ये खासियत लेकर। सप्लायर है, सप्लायर्स के अगर रेट बढ़ गए, सही, सप्लायर्स के अगर रेट बढ़ गए वो रेट को एकदम बढ़ाया तो क्या होगा, चेंज होगा, अग्रेशन चेंज होगा, किसी और से लेगा, वो अग्रेशन जाकर किसी और सप्लायर से लेगा। सही, अगर सप्लायर्स ने अगर एक सप्लायर है सप्लायर कम है और कस्टमर ज्यादा है, इन लोगों ने रेट के तो क्या होगा, असर तो आएगा ना, ये लोग भी अपने प्राइसेस को बढ़ा देंगे। बाद इदारे क्या करते हैं, वो सप्लायर को एक्वायर कर लेते हैं, खुद सप्लायर बन जाते हैं, खुद सप्लायर भी होते हैं, खुद मैन्युफैक्चरर भी बन जाते हैं, सप्लायर भी खुद होते हैं और मैन्युफैक्चरर भी खुद बन जाते हैं। क्योंकि क्यों, क्योंकि ताकि उन पे जो सप्लायर की कॉस्ट है ना वो कम बढ़ जाए। बस ऐसे इदारे होते हैं क्योंकि ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये चैनल्स है, ये तो ये होता है मतलब हम इसे कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो होता है, एक बंदा होता है मैन्युफैक्चरर, वो जाकर सप्लायर से माल खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है। सही, वो सप्लायर क्या करता है, वो उसका रेट हाई होता है, ये क्या करता है, मैं रोजाना इसी बंदे से मैं सब खरीदता हूँ, मटेरियल खरीदता हूँ, उसे मैन्युफैक्चर करके उसको कन्वर्ट करता हूँ, फिनिश गुड में लेकर आता हूँ, यानी तो वो
महंगा देता है, तो वो जाकर क्या करता है, उस सप्लायर को एक्वायर करता है, खुद सप्लायर बन जाता है, खुद भी सप्लायर होता है सारे, खुद प्रोडक्शन भी खुद करता है और क्या होता है और बेच भी खुद, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर देता है, समझ आया? तो वो खुद एक्वायर करता है, उसको हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं, ये आप लोग मार्केटिंग में पढ़ेंगे सही। तो सप्लायर का प्राइस रेट ज्यादा करना दैट विल बी अफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन सही है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स सोर्सेज फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है इसी और ऑर्गेनाइजेशन को सही है। मिसाल के तौर पर टोयोटा जो कंपनी है, टोयोटा जो कंपनी है ये सिर्फ कंपनी है, लेकिन ये जो टोयोटा सिर्फ असेंबलिंग करता है, क्या करता है? असेंबलिंग करता है, असेंबलिंग का मतलब क्या है? सिर्फ कलेक्ट करता है, लेकिन इसका टायर किसी और कंपनी का है, इसका बारट किसी और कंपनी का है, इसका साइड मैरर किसी और का है, फ्रंट मैरर किसी और का है, इसका जो सारा जो सिस्टम है, सारा इंजन है ना, हर एक इसमें अलग अलग कंपनी, इसमें हर बंदा हर कंपनी इसमें अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि टोयोटा कंपनी वाला खुद सारी चीजें मैन्युफैक्चर करता है, नहीं, इस चीजों का हर अपना अपना एक सप्लायर है, ये सारी चीजों को लेकर आता है फिर यहाँ पे कंपाइल करता है, समझ आया? इसका जो कार है ना, ये जो टायर है ये किसी और कंपनी का है, इसका इंजन किसी और का है, इसका जो अंदर जो सीट है वो किसी और बनाता है, ये एयर बैग जो इसके अंदर होता है ये किसी और बनाता है सही है। ये सारी चीजें किसी और, ये सारे उन सप्लायरों से क्या करता है, ये खरीदता है, तब जाके ये टोयोटा अपने शोरूम में क्या इसे बनाता है, समझ आया? तो ये सप्लायर अगर रेट बढ़ा दे तो क्या होगा, असर होगा प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की रेट भी बढ़ जाता है, प्रोडक्ट की जो रेट वो बढ़ जाएगी सही है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका भी असर है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अच्छा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का असर एक पॉजिटिव एंगल से होता है, मिसाल के तौर पर ये पार्टनर्स क्यों बनते हैं, सिर्फ इसलिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स अलायंस बनाते हैं ताकि वो गायब ना हो जाए। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे जो वारिस ने क्या किया, पार्टनरशिप किया किसके साथ, जेस के साथ, ताकि वारिस का नाम गायब ना हो जाए। सोनी और एरिक्सन ने, सोनी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया, सैमसंग के साथ, सोनी एरिक्सन के साथ उस पार्टनरशिप किया, एक तकरीबन 1 मिलियन की कंपनी, ऐसे कंपनी से जिनमें इन दोनों का पार्टनरशिप है, इतने कंपनी जिनमें ये लोग एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये क्यों होता है, इसमें का बेनिफिट क्या है, इसमें रिस्क जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अगर कोई लॉस हो जाए वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अगर प्रॉफिट आता है तो तब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है सही है। लेकिन जो लोग इसे एक्वायर कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर अभी वारिस जो है वो डिक्लाइन स्टेज पे जा रहा है और जो वो है जेज वो हाई है, अगर जेज वालों ने वारिस को एक्वायर कर लिया तो इसमें ज्यादा शेयर जो है वो प्राइस किसका होगा, जेज वालों का, जेज वाले इसके ज्यादा मैनेजमेंट, ज्यादा मैनेजमेंट को जो एक्टिविटीज है जो ये सब कुछ उसी की मदद, मतलब उसी की सोच पे होगा क्योंकि उन्होंने ये एक्वायर किया है सिर्फ इसको स्टेबल करने के लिए। तो मिसाल ऐसा मैकडोनल्ड्स जो था, मैकडोनल्ड्स ये वॉलमार्ट के साथ, ये वॉलमार्ट के साथ क्या था, इसके साथ इनने इंटरेक्शन, वॉलमार्ट क्या एक स्टोर है, इनके साथ इनने क्या किया, मतलब स्ट्रेटेजिक, इसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया सही है। इनके प्रोडक्ट को क्या करते था, वॉलमार्ट में मतलब शो कर रहे, एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, वॉलमार्ट वाले प्रोडक्ट को मैकडोनल्ड्स की जगह पर वहां पर शो कर, मतलब एक दूसरे के साथ एडवर्टाइजिंग कर रहे थे सही। आपने डिज्नी, तो आपने कार्टून तो देखते हो, डिज्नी वाले कार्टून जो होते हैं देखा है, डिज्नी वर्ल्ड ने इंटीग्रेशन किया उसके साथ, फिल्म हैपो के साथ किया, वो एक प्रोडक्शन था वो किया उसके साथ, तो वो अपने प्रोडक्शन जगह पे उसको प्रमोट कर रहा था और डिज्नी वर्ल्ड ने उसकी प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहा था। तो ये चीजें होता क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होते क्यों है, ताकि एक दूसरे की प्रोडक्ट को, एक दूसरे की प्रोडक्ट को क्या कर ले, हाँ मतलब प्रमोट कर ले। मिसाल के तौर पर पेप्सी वालों ने किसके साथ इंटीग्रेशन किया, ये मैकडॉनल्ड्स के साथ जाओ आपको पेप्सी फ्री मिलता है, आप देख लें वहां पे आपको पेप्सी के साथ उसके साथ है, मतलब देखो एडवर्टाइजिंग में पेप्सी की बोतल भी उसके साथ, प्लेट के साथ, पिज्जा वाले के साथ, या पिज्जा वाले के साथ भी है उसका पेप्सी का है, तो वहां पर लोगों ने इंटीग्रेशन किया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट प्रमोट होता जा रहा है सही है। तो लॉस जो क्या है, रेगुलेटर्स,
रेगुलेटर्स कौन से होते हैं जो अ यूनिट ऑफ हैज अ पोटेंशियल टू कंट्रोल लेजिस्लेशन ऑफ अदरवाइज इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. देखो हर ये जो हर इंडस्ट्री का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी कमिटी होता है यूनिट होता है. मिसाल के तौर पर अगर इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के देखो HEC है. HEC किस पे आई लगता है? सारे इंस्टीट्यूट पे, सारे यूनिवर्सिटीज पे आई लगता है. कोई ज्यादा पे ना कर ले, कोई ज्यादा चार्जेस ना ले, मतलब उनको सबको रेगुलेट करता है. क्या है? तो अगर हम पेमरा को देखें, पेमरा किसको किसको करता है? मीडिया को. मीडिया वाले को. नैब किसको करता है? अकाउंटिंग, मतलब लोगों की बिजनेस को. अच्छा, हर इंडस्ट्री में एक ऐसा रेगुलेशन अथॉरिटी है जो इनको मॉनिटरिंग कर रहा है. सही है, जो सारे इनको मॉनिटरिंग है, इसका भी इन्फ्लुएंस है. वो बार बार आकर आपके इदारे में आकर सर्च करते हैं, बार बार आकर आपके इदारे में अकाउंट एडिटिंग करते हैं कि ये करना वो करना, मतलब बार बार आते हैं. सही है, तो ऐसे इन लोगों का इन्फ्लुएंस है. सही है, समझ आया? यस सर. मुश्किल है? नो सर. एनवायरमेंटल का समझ आया? यस सर. जनरल एनवायरमेंट का समझ आया? यस सर. टास्क एनवायरमेंट का समझ आया? यस सर. ओके, जस्ट फॉर थैंक यू सर. टास्क एनवायरमेंट का ये देखो, कंपेटिटर्स मैकडॉनल्ड्स का क्या टास्क एनवायरमेंट था? कंपेटिटर्स उसका क्या है? बर्गर किंग उसका कंपेटिटर्स है. विंजी, सबवे, डेयरी क्वीन, ये सारे इसका कंपेटिटर्स है. सही. अच्छा, इसका कस्टमर कौन है? इंडिविजुअल कस्टमर है इनका. मतलब एक बंदा आता है, बर्गर लेता है, चला जाता है. इसका इंडिविजुअल है. सही है. इंस्टीट्यूशनल कस्टमर है इसका, मतलब स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गए, ये लोग यूनिवर्सिटी वाले, ये जो है ये इनका ज्यादातर लोग के यही कस्टमर्स होते हैं इनका. सही. सप्लायर्स कौन है इनका? कोका कोला है, होलसेल फूड प्रोसेसर है, पैकेजिंग है, मैन्युफैक्चरर्स जो होता है इनको, जब जो चीज सारी चीजें पैकेजिंग करते हैं वो लोग इनके क्या है? सप्लायर्स है. क्योंकि ये लोग जब जिस चीज में आपको डाल देते हैं ना, वो पेपर बैग जो होता है वो कहीं से आया हुआ है. सही. इसका रेगुलेटर कौन? रेगुलेटर्स ओके. स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कौन है इसका? वॉलमार्ट इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, डिज्नी वाले इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, फॉरेन पार्टनर्स भी बहुत ज्यादा है. सही. रेगुलेटर्स कौन होते हैं इसका? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनकी आई लग रहा है इनके साथ, इनका क्या है तो इनके साथ रिलेशन है. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो होता है, ये सारी चीजें जो कंपनी है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज एक यूनिट है जो इन लोगों पे आई रहता है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो ऐसे चीजों को हार्मफुल ना हो, जो लोगों को सोशली वो देखते हैं कि यार जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज करें क्या ये तो हार्मफुल नहीं है लोगों के लिए. तो ये वॉलमार्ट का सारा क्या है? सारा टास्क एनवायरमेंट है, जो जिन जिन चीजों से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिन जिन चीजों के साथ उनके लिए बेनिफिट भी है और क्या है, बेनिफिट भी है और उसका रिस्क भी है. सही है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सर हमें ये स्लाइड नहीं मिली सर, जीमेल पे यूज भी दो. ओके, कहानी सुनाओ यानी खत्म. व्हाट्सएप पे. ओके भाई, सर अभी 4 दिन हो गए सर.